जयपुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। हेमा मालिनी की हमशक्ल को देख खा जाएंगे धोखा। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की एक हमशक्ल है, ये हमशक्ल है सीमा मोटवानी, जो एक मिमिक्री आर्टिस्ट है। आमतौर पर जहाँ जाने वाने स्टार्स का हमशक्ल होने का कुछ खास फायदा नहीं मिलता, वहीं सीमा मोटवानी खूब डिमांड में रहती हैं। सीमा मोटवानी एक एपिसोड के 35,000 रुपये चार्ज करती हैं, यानी अगर वो महीने भर में 20-25 शो भी करती हैं तो उस हिसाब से वो एक महीने में 7 लाख से भी ऊपर की कमाई करती हैं। सीमा मोटवानी ने अपने करियर की शुरुआत एक मिमिक्री आर्टिस्ट और कॉमेडियन के तौर पर की थी। शुरुआत में वो यही काम करके गुजारा कर रही थी। उस वक्त वो ये जानती भी नहीं थी कि वो हेमा मालिनी से काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं। ये बात तब की है जब वो एक्टर पुनीत इस्सर के टीवी शो जय माता की में काम कर रही थी। उस शो में हेमा मालिनी भी थी और सीमा मोटवानी का भी रोल था। हेमा मालिनी जहाँ देवी के रोल में थी तो वहीं सीमा मोटवानी को एक महारानी का रोल दिया गया था। सेट पर मौजूद लोगों ने जब सीमा को महारानी के कपड़ों में देखा तो वो उन्हें महारानी के कपड़ों में देख हक्के बक्के रह गए। शो के निर्देशक की नज़र जब सीमा मोटवानी पर पड़ी तो उसे लगा वो हेमा मालिनी है। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि हेमा मालिनी नहीं बल्कि सीमा मोटवानी है, जो दिखने में बिल्कुल हेमा जैसी लग रही थी। उस वक्त सभी गच्चा खा गए और यहीं से सीमा मोटवानी की किस्मत का पासा पलट। आज वो कई शोज में जूनियर मालिनी के नाम से काम कर रही हैं। असल जिंदगी में भी उन्हें लोग जूनियर मालिनी के नाम से जानने लगे हैं। सिमी ग्रेवाल ने 17 साल की उम्र में दिए थे सबसे ज्यादा बोल्ड सीन। दिग्गज अदाकारा सिमी ग्रेवाल का नाम सुनते ही फिल्म मेरा नाम जोकर की याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने बोल्ड सीन देकर फिल्मी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। सिमी ग्रेवाल एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। सिमी ग्रेवाल का जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई थी। सिमी ने 1962 में फिल्म राज की बात से डेब्यू किया था। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी। फिल्म मेरा नाम जोकर से सिमी सुर्खियों में आ गई थी। 17 साल की उम्र में सिमी ने इस फिल्म में कपड़े बदलने वाला एक बोल्ड सीन दिया था, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसके बाद उन्होंने 1972 में फिल्म सिद्धार्थ में न्यूड सीन दिया था। सिमी अपने बोल्ड सीन्स के चलते कम समय में ही पॉपुलर हो गई थी। ये दौर था जब हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेसेस पर्दे पर साड़ी पहनकर एक्टिंग करती थीं, ऑन स्क्रीन किस करने से कतराती थीं। उस समय सिमी ने बोल्ड सीन देकर खूब सुर्खियाँ बटोरी थीं। एक्ट्रेस ने फिल्म कर्ज में नेगेटिव रोल प्ले किया था, जिसके लिए उनकी खूब सराहना हुई थी। इस फिल्म में शशि कपूर और राज किरण जैसे सितारों ने काम किया था। सिमी ने टीवी पर बतौर एंकर शो भी होस्ट किए हैं। उनका शो काफ़ी पॉपुलर रहा। सिमी ने टीवी शोज लिखे हैं और डायरेक्ट किए हैं। उन्होंने राज कपूर और राजीव गांधी पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। रजनीकांत से लेकर अनुपम खेर तक ये हैं बॉलीवुड की असली बाला। सुपरस्टार रजनीकांत रियल लाइफ में लगभग गंजे हो गए हैं और वो पब्लिकली इस लुक में नजर आते हैं। बालों की इस समस्या का रजनीकांत के स्टारडम पर आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। अक्षय खन्ना को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने बालों के झड़ने की समस्या को अपने करियर के बीच कभी नहीं आने दिया। वो काफ़ी कम उम्र में इस समस्या से ग्रसित हो गए थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अनुपम खेर का नाम शानदार एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। वो हमेशा ही अपने बाल्ड लुक में नजर आते हैं। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को समस्या नहीं माना। प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश रोशन ने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म खुद गर्ल्स बनाई थी। राकेश ने तिरुपति बालाजी जाकर फिल्म की सफलता की दुआ मांगी और कहा कि अगर फिल्म सफल हुई तो वो गंजे हो जाएंगे। फिल्म खुद गर्ल्स सुपरहिट रही और वो गंजे हो गए। राहुल बोस को कम उम्र में ही हेयर फॉल की समस्या होने लगी थी। राहुल पिछले काफ़ी समय से एक ऐसे कैंपेन का हिस्सा हैं जो पुरुषों में बाल झड़ने की समस्या को रोकने को प्रोत्साहित करने का काम करता है। अक्षय से लेकर सैफ अली तक बॉलीवुड के सुपरहिट जमाई राजा। अक्षय कुमार का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार हुआ ट्विंकल खन्ना से। अक्षय की शादी मेगास्टार राजेश खन्ना और डिंपल कपाडिया की बेटी ट्विंकल खन्ना से हुई। दोनों के दो बच्चे हैं, आरव और नितारा। कपल अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहा है। अमृता से तलाक के बाद सैफ अली खान ने कपूर खानदान की लाडली करीना कपूर से शादी की। वो रणधीर कपूर और बबीता के दामाद हैं। करीना और सैफ की शादी मुंबई में बेहद सादगी के साथ हुई। दोनों की केमिस्ट्री शानदार है। कपल के एक बेटा है तैमूर, जो सोशल मीडिया सेंसेशन है। उनकी तस्वीरें आए दिन वायरल होती रहती हैं। कुणाल खेमू फेमस पटौदी फैमिली के दामाद हैं। उनकी शादी शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान की बेटी सोहा अली खान से हुई है। दोनों की एक बेटी है। अजय देवगन दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा मुखर्जी और सोमू मुखर्जी के दामाद हैं। अजय की शादी काजोल से हुई है। कपल के दो बच्चे हैं न्यासा और युग। आयुष सलीम खान के दामाद हैं। उनकी शादी सलीम की बेटी अर्पिता खान से हुई है। दोनों की शादी 18 नवंबर 2014 को बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई थी। दोनों के एक बेटा भी है। बेटे का नाम है अहिल। कपल अब सेकेंड बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है। अर्पिता प्रेग्नेंट है।
साउथ एक्टर धनुष ने दिग्गज एक्टर रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या से शादी की है। दोनों की शादी खूब चर्चा में रही थी। एक्टर कुणाल कपूर अमिताभ बच्चन के दामाद हैं। कुणाल की शादी अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन की बेटी नैना बच्चन से हुई है। वहीं फरदीन खान की शादी एक्ट्रेस मुमताज की बेटी नताशा से हुई है। वहीं एक्टर कुमार गौरव सुनील दत्त के दामाद हैं। उनकी शादी सुनील और नरगिस की बेटी नम्रता दत्त से हुई है। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।